22 राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई 1:30 बजे और उस मीटिंग में तकरीबन देश का जो 75% वोट है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और 1.5 घंटा मीटिंग हुई और सभी राजनीतिक दलों ने क्या कर रहा है मीटिंग में बताया अपने अपने प्रांतों में कि किस तरह से ईवीएम की कुछ मशीनें कई गाड़ियों में आ रही हैं जा रही हैं स्ट्रांग रूम के आसपास में जा रही हैं प्राइवेट गाड़ियों में आ रही हैं और सभी राजनीतिक दलों ने बताया कि इलेक्शन के वक्त भी कई ईवीएम मशीनें खराब थी और कई ईवीएम मशीन्स पे जब एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का बटन दबाते थे तो दूसरी पार्टी का विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चला जाता था। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके कमीशनर के सामने रखी, शिकायतें मिलती हैं उनको लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं में और उसके बाद भी जनता में उठाया है और कई दफा हम कमीशन से मिले हैं सभी राजनीतिक दल। आज हमने दो तीन चीजें मोटी बताई कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम 5 ईवीएम की मशीनों के जो वीवीपैट हैं स्लिपें वो गिननी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएगी। हम लोगों ने कहा 22 राजनीतिक दलों ने नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए वरना बाद में कोई फायदा नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी बात मांग है कि जिस एक तो पहले गिननी चाहिए वीवीपैट और उसके बाद दूसरे गिनने चाहे, दूसरा अगर उन पांच पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ पाया गया डिस्क्रिमिनेंसी पाई गई तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। ये एक में भी अगर पोलिंग स्टेशन में भी एक मशीन में भी अगर गड़बड़ निकला तो पूरी विधानसभा के वोट ये दोबारा से गिनने चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि वो उस कमीशन दोबारा बैठेगा और इसके बारे में वो निर्णय लेंगे, ये उन्होंने कहा कि वो ओपन है, वो ओपन माइंड है और उसके बारे में डिटेल। सर, आप लोगों ने 50 भेजी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की। बस बस, एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उत्तर प्रदेश का एक सामने आया है, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आया कि वहाँ के ऑफिशियल्स जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं चीफ सेक्रेटरी लेवल डाउनवर्ड्स, उन्होंने एक पीसी करके ये कहा कि एआरओ टेबल्स में इलेक्शन एजेंट नहीं बैठा ले जाएंगे और खाली इस तरह का उन्होंने आज के रोज ये बात कही। तो इसको हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया, उन्होंने कहा इस तरह का हमने कोई आदेश नहीं दिया है और हम इसको अभी क्लैरिफाई करेंगे हम लोगों के जाने के बाद कि हर एआरओ टेबल पे हर पार्टी एजेंट को बैठाने की इजाजत मिलेगी। आजाद साहब ने सब बोल दिया, सब थोड़ा लाउड बोलने देंगे। ऐसा है, एक मिनट शांति। माननीय आजाद जी ने आपको अहम दो मुद्दे बता दिए। मूल मुद्दा ये है कि हमने विभिन्न प्रकार से पिछले 1.5 महीने में ये मुद्दे उठाए हैं। वी हैव रेज दी सेम इश्यूज इन द लास्ट 1.5 मंथ्स इन राइटिंग in a delegation of the Congress, in delegations combined of the Congress, TDP and other parties. Now, we asked the EC, why have they not responded? Well, strangely, although the EC has heard us for almost an hour, they are saying now, they assured us, that they will meet again tomorrow morning to consider primarily these two issues. The second point we made was that even if you, the EC, disagrees with us,
देयर इज नथिंग टू डिसएग्री, इट इज अ वेरी स्मॉल सिंपल थिंग व्हिच इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. बट इफ यू डिसएग्री विद अस आल्सो, इफ 75% ऑफ द इलेक्टोरेट represented by these 22 parties is before you, how does it matter if you change the rules, which is not even a rule change, it is merely a change of the guidelines, the procedure, that you count first? I think this is, if I may use that phrase with great respect, a no-brainer. And the Election Commission has not decided it for 6 weeks. They are now saying that they will again meet tomorrow. The second point is that if a glass of milk by a sample as they say, is supposed to be a subset of the universe. If a subset of the universe, a sample, is found poisoned, as the Supreme Court says, in 5 sample checks you find a discrepancy between the VVPAT and the EVM, then it is obvious that the universe which that sample represents is vitiated. So it is obvious that if a sample check, what is the purpose of a sample check by the Supreme Court? The purpose of a sample check is to see whether the whole universe is vitiated. If the sample finds it to be vitiated by discrepancies, why should you not count 100% of VVPATs? We are only asking for a counting of 100% of VVPATs. And remember, 9,000 crores was spent to ensure that one EVM has one corresponding VVPAT. This also happened over a 3 years campaign. Why should you have these VVPATs as decorative, ornamental pieces and not count them after finding a sample problem? उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ ईवीएम रखी गई हैं, वहाँ बहुत बड़ी धांधली हो रही है. हम लोगों ने कहा सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पर लगाई जाए, स्टेट यूपी की फोर्सेस नहीं लगाई. सर वन मिनट, वन मिनट.